स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर। आज जा रहे काम ढूंढने के लिए बाहर, मतलब मैं तो सो रहा था, इसका फोन आया, मैंने बोला चल ठीक है चल लेता हूँ, मुआद भी नहीं धोए कपड़े पहले, सीधा ऐसे आ गया। बंदा सो रहा था, मैंने उसको बोला चलो, ऐसी टोपा लगाया और आ गया उठ के, तो पानी में डाला इसने मुँह पे। तो अभी चलते क्या देखेंगे, मुँह मेरा मेरा काम से मेरी पहचान होगी। काम से पहचान, चलो चलते हैं सीधा फिर। भाई पहली बार गाड़ी लेके आया अपनी, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो। मैंने सोचा तुम जैसे गरीबों को भी बिठा दूँ उस गाड़ी पे, क्योंकि रोते रहते हो। चलो चल रहा है ठीक है। चलो राज्य चले काम ढूंढने। सो दोस्तों आ चुके हैं, इधर जाना है ऊपर, ऊपर नहीं नीचे अभी, हम तो नीचे हैं अभी पर ऊपर जाना है हमें, क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा ऊपर जाना। किसान मेगा मार्ट। मेरा नाम क्या है? पागल बना दिया भाई इन्होंने, बहुत देर से घुमा रहा है गोल गोल चक्कर। चलो चलते हैं ऊपर। काम पे तो गए थे पर वहाँ क्या सीन हुआ, 15-20 मिनट बैठे वहाँ, कॉलिंग का काम बता दिया इसको, मैं तो नहीं गया देने। तो हम आ गए वापसी, तो पास में सामने मॉल था, मॉल आ गए ठीक है। तो चल रहे अब मॉल घूमने। सो दोस्तों आशिकों के नवरात्र दिखा देता हूँ तुम्हें, रुको, जो बनाए जा रहे हैं मॉल में। ये देखो वैलेंटाइन डे, हाय हाय, चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, अंदर हर जगह देखियो, पूरे बीच मॉल के अंदर शर्म लिहाज नहीं है जरा से भी। इतना बड़ा दिल और क्या, आरती का दिल लगा। तो दोस्तों फ्री में निकलने आने आए ठीक है, कुरकुरे निकाल ले। तो फ्री का खाना खा के देखते हैं कैसा लगता है, वैसे लगता तो स्वाद ही है हमेशा, पर ये वाला मेरे को अच्छा नहीं लगा, दूसरा लगा था अच्छा खाने में, है ना। आ तो रहा उसका दूसरा फ्लेवर और मस्त था। नाम क्या देख लो, फ्री का नाम तो वैसे ही मस्त लगता है यार। यहाँ पे नई नई चीज़ें बन रही हैं, देखो बाहर बन रही है, महंगा हो रहा है यहाँ पे। मेरी तो आंखों में से पानी निकल रहा है यार धूप के मारे। किसके मारे? धूप से। मुझे लगा मार के भगा दिया तुझे। और मिर्ची लग गई आंख में। आंख से खा रहा था तू साला, हाथ लग गया अभी अभी। अच्छा मेरे को लगा आंख से खा रहा था। तो मैं इतना चमक क्यों रहा हूँ, बिना नहाए हुए बंदे ऐसे चमकते हैं। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है? ये और ये बिल्कुल सेम है। नहीं तू नीचे है, सिंह वाला लौंडा। लौंडा नहीं भैंस, भैंसिया। अब जा रहे गाड़ी लेने अपनी माँ गाड़ी, हेलमेट देखते हैं कि नहीं है, क्योंकि हमने ध्यान में आना, हमें कुछ नहीं है, चोरी हो गई होगी कोई बात नहीं, हमारी किस्मत ही लेके जाएगा बंदा कोई, है ना भाई। अभी व्लॉगिंग के चक्कर में मेरी मौत हो जाएगी ना, तो फिर किसके व्लॉग देखोगे, देख के निकलूँगा इस वजह से। के तो दोस्तों जिम के लिए निकल चुके हैं, आजकल लेट जिम जा रहे हैं क्योंकि भाई के काम लग गए हैं। चाप खा के चल रहा है क्योंकि भूख लग रही है, थोड़ा पेट भर जाएगा फिर उसके बाद करते हैं जिम। आज है चेस्ट फेवरेट डे। दोस्तों जिम के अंदर हम खाली अकेले बैठ पड़े हुए हैं, सब चले गए और लास्ट का टाइम है, अब हम दोनों जा रहे हैं घर पे, और फिर उसके बाद मिलते हैं कल सुबह शायद से, क्योंकि विकास तो काम पे लग गया, मैं रह गया। कितना मस्त लग रहा हूँ भाई, देख रहा है खाली जिम मिले कितना मज़ा आ जाया, देख रहा अलग ही लग रही है बॉडी अलग से है। चलो ऊपर इंतजार कर रहा हमारा दोस्त रंजीत, ऊपर चलते हैं। तो हम अपने एक दोस्त के घर आए थे पर दोस्त तो मिला नहीं, दोस्त रास्ते में चलते चलते यहाँ मिला, पता नहीं क्यों रो रहा है बैठ के, क्यों रो रहा है बैठ के। एक्चुअली ना बहुत बड़ी बात हो गई है।
यहाँ पता नहीं क्यों रो रहा है। यो ब्रदर ओए व्हाट हैपेंड ब्रदर यो हाउ आर यू रिकॉर्डिंग मी व्हाई यू रिकॉर्डिंग मी हे शट डाउन लुक लाइक शट डाउन दिस कैमरा यू लुक लाइक बिच एक्चुअली ब्रो यू लुक लाइक बिच आई अंडरस्टैंड। तो दोस्त अब इसके घर ही गए थे फिर ये मेरे को मिल गया कार्तिक क्लिनिक पे। ये मेरा दोस्त ड्रैगन फिटनेस से चुरा के लाते हुए ओए लग रहा है गाइस पता है इससे है मर्दादी पहचान है मर्दादी पहचान ये होती है। एक मिनट फड़ी लाओ फड़ी पड़ लो ये क्या तो भाग रहा है काफी बस एक कदम काफी इसके लिए पहचान के होती है हाँ तो पता कौन है मार दो ते छोड़ असी असी नहीं बोलेंगे कुछ असी बोलेंगे नहीं कुछ ते ऐ मर देगा असी येंगे ते कौन है का बताओ ऐ लस्सी है असी तुसी लस्सी। तो दोस्तों रास्ते में चलते चलते जानवर मिला और हमने उसको उठा लिया जैसे क्या लगता है करना चाहिए जानवरों को उठाना चाहिए बिजनेस रस्ते पे से। तो जानवर मिला भालू बट इस टॉक के मेरे दो चार पंजे मारे उसके बाद मैंने संभाल लिया भालू नहीं मिला शेर मिला बोल शेर तो मैं ही था देखना शेर की जैसे खाली पहन लगती है शेर तू है आसिम भाई कमेंट करके बताओ शेर की क्या हालत होती है मैं नहीं फिर शेर और क्या नाम है भालू की क्या होगी बताओ फिर भालू की क्या होगी शेर की पता लगेगी मैं बोल रहा चलो आ गए इसके घर पर और थोड़ी देर नेट चलाते फिर चलते गए। अंदर हम जा रहे हैं पता है मैं जिम करके आया हूँ आज काड़े बंदे के साथ एक काड़ा बंदा गया था मेरे साथ जिम करने का कौन काड़ा दिखाऊं ये बंदा गया था मेरे साथ जिम करने के लिए कैसे लगे भाई मेरे को तो बड़ा मजा आया भाई जिम करके तो अभी आए इसका कुछ सामान लेने फिर जा रहा है इसका कुछ प्रोटीन बार लेने आए अपने लिए दिखा देते हैं अरे बहन चोदी क्या हाइडन सी के भाई आलू बिस्कुट खिला दे काफी सालों से खाया नहीं इतना महंगा बिस्कुट मोबाइल विद लकी कोड ये वाला बिस्कुट नहीं खाया काफी सालों से तूने तो ये भी नहीं खाया होगा देख ऐसे और 10 रुपए कैसे भी खाया तूने यार यार ये बिहारी वाले स्कूल बिस्कुट नहीं खाता हूं पोटैटो बिस्किट है ये बिहारी बिस्किट है आज से पहले नाम मिली सुना अभी ये वाला नहीं है यार वो मेरे को तो ओरियो का नया वाला पैक है। तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं बाद में बाय दोस्तों एकदम से प्लान बना बुआ के घर जाने का तो जा रहे हैं बुआ के घर और सामने दिल्ली हमारी कितनी लग रही है प्यारी धुएं से भरी हुई बट दिल्ली सबसे ज्यादा प्यारी है और मेरी पटरी नीचे फोन ना गिर जाए देखो कि चीज तभी मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं मेट्रो के आते हैं अंदर चलते हैं फिर चलते हैं बुआ के। तो दोस्तों सोलो ट्रैवलिंग करने में वैसे कह सकते हैं आलस भी आता है पर मज़ा भी आता है नई नई चीज़ों के बारे में सोलो में चल रहा था अकेला तो लड़कियां छेड़ रही थी जैसे अब मैं कैसे बताऊं कि मैं रास्ते में चल रहा था रास्ते में चलते चलते दो लड़कियां आई और पीछे से बोल रही कि एक बार पीछे मुड़ के देख लो ना एक बार पीछे मुड़ के तुम्हारा भाई एकदम पक्का बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट चले जा रहा। तुम्हारे साथ भी ये सब होता है क्या जब तुम अकेले ट्रैवलिंग करते हो सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो मतलब अजीब अजीब से मन में ख्याल आते हैं कि मैं लाइफ को लेकर क्या कर रहा हूँ ये वो प्लान इनकान बट ये सब सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता और आगे क्या हो सकता है हमें कुछ नहीं पता तो अब तक प्रेजेंट जियो यार जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट जियो जैसे सामने कुत्ता देख रहा है मुझे काट लेगा रुक जाओ भाई घर की तरफ तो बड़ी जल्दी रात हो गई सब सब सो रहे हैं और मेरे पीछे कुत्ते आ रहे दो दो मेरी तो फट गई यार काट ना ले पूरी जल्दी रात हो गई सब सो गए भाई सैप करके अंदर है इतनी ठंड भी नहीं हो रही बल्कि आज तो जिम वाला बैग लेकर आया कुत्तों को लगा कि मैं कूड़ा उठाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि अगले व्लॉग के अंदर कोई स्पेशल बंदा आने वाला है मेरी तरफ से
हिंट दे देता हूँ, बेस्ट फ्रेंड है ना, ऐसा तो बता दिया वैसे मैंने पूरी हिंट क्या देनी। तो अगले व्लॉग में आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगा, इम्पोर्टेंट अपडेट। ओके तो चलते, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।